नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अजमेर के नितेश नेम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। उसका शव अलवर गेट थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से बरामद किया। हत्यारों ने हत्या के बाद शव को जमीन में दफना दिया था। वहीं पुलिस ने हालांकि हरी लंगड़ा और सुपारी किलर सहित 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जहां नितेश नेम की लाश को हत्या करने के बाद गाड़ दिया गया था। वहां जाकर पुलिस ने लाश को बरामद किया और अजमेर के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सर, ये सुपारी किलिंग का था जिसमें हरी लंगरा ने नितेश नैन को मारने का सुपारी दिया था, और इसका जो मकसद था, क्योंकि नितेश नैन ने हरी लंगरा की बीवी को कुछ दिन पहले भगा के ले गया था, तो हरी लंगरा ने मनोज यादव उर्फ देवेंद्र यादव को सुपारी दी थी जो उसे 20 लाख रुपये देगा यदि वो नितेश नैन को मार देता है, और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है। और मनोज यादव ने ये कॉन्ट्रैक्ट कल्लू उर्फ मोहम्मद इसरार को देता है जो फिरोजाबाद का रहने वाला है, यूपी का। तो ये सब मैं 1 तारीख को कल्लू ने उसको मार दिया और अपने घर में ही गाड़ दिया था फिरोजाबाद में। खबर दौसा के महुआ से है, जहां टिकरी मोड़ पर कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। गंभीर घायलों को महुआ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि कार सवार सभी लोग वृंदावन से जयपुर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह फंस गई। नीमराना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गांव कोलीला फ्लाईओवर के पास अमरूद से भरी हुई पिकअप का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि पिकअप का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। पिकअप में भरे प्लास्टिक के कैरेट नीचे गिर गए और उनमें भरे हुए अमरूद सड़क पर फैल गए। गनीमत रही कि आसपास कोई पैदल राहगीर या भारी वाहन नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया है। चाकसू नेशनल हाईवे 52 पर एक तेज रफ्तार कार ने जुगाड़ रिक्शा को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि बाइक को जुगाड़ से रिक्शा बनाया था, जिस पर सवार होकर पिता पुत्र कहीं जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में रिक्शा चालक विजय और उसका 4 साल का मासूम गंभीर घायल हो गए, जिसे चाकसू के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ से जयपुर रेफर कर दिया गया है। आसपुर सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी कार्यालय के प्रमुख और कार्यकर्ताओं ने निवेशकों की जमा राशि को लेकर सेबी और सहारा के संयुक्त खाते में 24,000 करोड़ रुपए वापस करने को लेकर विधायक गोपीचंद मीणा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा ने सेबी के पास 24 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो राशि छोटे छोटे निवेशकों की है, इसलिए जमा कार्यकर्ताओं की राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां राजकीय बालिका स्कूल का नाम बदलने को लेकर विरोध किया गया। कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जिला कलेक्टर के नाम स्कूल के संस्था प्रधान विमलेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर स्कूल का नाम बदलने की मांग की है। कई दिनों से राजनीतिक, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नाम परिवर्तन करके महापुरुषों के नाम पर। हमारा यही कहना है कि आज स्कूल का नाम यथावत ये रखना चाहिए, किसी भी प्रकार के नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप नाम परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारे महापुरुषों के नाम पे एक हवा चिल्लू हो जाएगी, जो शिक्षा के जो क्षेत्र है वह राजनीति अखाड़ा बन के रह जाएगा। आने वाले समय में लोकपाल जयंती बनाएंगे, पुण्यतिथि बनाएंगे, इस पर शिक्षा खराब होगी। इसलिए हम आज यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम से मिले थे, वो थी नहीं वहाँ, इंचार्ज मैडम को हमने ज्ञापन देखे ये कहा, और हमने मुख्यमंत्री के नाम पर और सबके नाम पर ज्ञापन भेजे हैं। आज ये जो स्कूल का नाम चेंज कर रहे हैं वो ये गलत कर रहे हैं, जो परंपरा से चल रही है। इनको जो भी आज मांग करनी चाहिए, लड़कियों के स्कूल के लिए, खेल मैदान के लिए ज़मीन मांगनी चाहिए, और जो भी काम है स्कूल के शिक्षा के हिसाब से इनको आगे आनी चाहिए, मगर वो काम नहीं करेंगे। ये एक दूसरे की टांग खींचे कर रहे हैं कि स्कूल का नाम चेंज करो और ये करो, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसका विरोध कर रहे हैं। रिहाना ग्राम पंचायत के बगली गांव में विधायक अशोक डोगरा को ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए घोड़ी पर बैठाकर जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने पानी और सड़क की समस्याओं को लेकर विधायक को अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने ग्रामीणों को समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव शुरू हो गया है। जैसलमेर में आगामी 16 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बार 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज पोखरण से शुरू हो गया है। इसी दिन शाम पर्यटन क्षेत्र गुहड़ी के रेतीले धोरों पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है।
अब खबर राजसमंद के आमेद से है, जहां मंदिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कोठेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें दूसरा पक्ष आयोजन रोकने की मांग कर रहा है। वहीं आमेर थाने के बाहर प्रतिष्ठा को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान SDM निशा सहारन ने लोगों से समझाइश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TPB News। नमस्कार।